नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए खास होने वाला है जो YouTube पे वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं और उनकी वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है, तो कॉपीराइट को किस तरह से दूर करेंगे, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके वीडियो में शॉर्ट वीडियो में अगर कॉपीराइट आया तो उसको क्या करना है और वो उससे क्या इशू है, कैसे हटेगा वो, मैं पहले उसको बताता हूँ। ओके दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे में कॉपीराइट आया है और मैं शॉर्ट वीडियो को कॉपीराइट किस तरह से हटाऊंगा वो मैं इसमें दिखा रहा हूँ। बहुत ही इजी है, आप भी समझ सकते हैं। मैं अपने आप कहीं भी जा सकते हो, मैं बाइट स्टूडियो में गया, स्टूडियो मेरे कॉपीराइट किस पे आया है, सबसे पहले उस वीडियो में जाऊँगा। शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो में गया, देखो अब दोस्त देख सकते हैं कॉपीराइट क्लेम आया है इसमें, ये कॉपीराइट क्लेम आया है, ये देखिए कॉपीराइट। तो इस कॉपीराइट में मैं क्लिक करूंगा, जानूंगा ये क्या है, किस लिए आया, किसने दिया है, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो कॉपीराइट कोई मायने नहीं रखता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट फाउंड बट इट डोंट इफेक्ट योर शॉर्ट, मतलब इसका कॉपीराइट आपके कंटेंट में आया है, कॉपीराइट आपके कंटेंट में आया है बट इसका आपके शॉर्ट वीडियो में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं, अगर कंटिन्यू नहीं रखना चाहते तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू रख से इसका कोई इशू नहीं है। अभी अगर आपको हटाना है तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जाके आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।